ओके फ्रेंड्स, मैं हूँ रामकर्ण नेचर प्लेसिंग वीडियोज की तरफ से। आजकल मैं नेचर की वीडियोज नहीं डाल पा रहा, तो टेक्निकल वीडियोज डाल रहा हूँ, जिसमें अलग अलग सीखने को मिलता है, मेरे को खुद सीखने को मिलता है और बाकी लोगों को देखने वालों को मिलेगा। आज हम बताते हैं कि अगर पानी लीक हो जाए पाइप से तो बिल्डिंग अभी बनाते समय तो वो कितना हार्म करता है। देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख रहे हैं पूरी सलाब, इसका कलर कुछ हो रहा है, इसका कलर कुछ हो रहा है, ये जस्ट टूटी ही मारा है। ये है जी एक बाथरूम का हाल, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ये आपको दिखा देता हूँ कि किसी तरह से गलती से जब ये पाइप फिट कर रहे थे तो ये जो क्रैक आप देख रहे हैं, ये बिठाने के लिए या किसी भी तरह से ये टूट गया, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ये सीमेंट पोर्शन पूरी लिपाई हो गई, और वे स्लोली स्लोली ये लीक होकर इसने क्या किया है, बिल्कुल पानी यहाँ तक आ गया है, ये देख रहे हैं पानी आप फर्श तक, और ये पूरा मटेरियल निकालना पड़ा, गिल्ला हो गया पूरा। आप देख सकते हैं किस तरह से कॉपरी टाइप बना हुआ है इस तरह से, और ये समय रहते हुए डिटेक्ट कर लिया और इसकी स्लैब कहाँ तक पहुँची है, ये मैं सेकेंड फ्लोर का बता रहा हूँ, और इसकी स्लैब पहुँची है आप देखो यहाँ तक, ये स्लैब आप देख रहे हैं वाइट पोर्शन, मतलब सूखा पोर्शन हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पानी कितना नुकसान दे देता है, तो ये आपको मैं बिल्कुल एग्जांपल मेरे घर बनते हुए घर में से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए, ये तो कट करके ये पोर्शन निकाल रहा है, ये क्रैक की वजह से यहाँ पे जो भी ये सॉकेट है, और अभी ये लोग रिपेयर सेम टाइप का पीस लेके रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर के बाद ये ठीक हो जाएगा। और खुशी की बात यह है कि इसकी लोकेशन का पता लग गया कि कहाँ किस एरिया में ये लीक हो रहा था। ये था जी आज का मेरा वीडियो पानी की लीक के ऊपर। कल मैंने कुछ वीडियोस डाले थे ये चार तारकोल वाटर प्रूफिंग रूफ का, वो आपने देखे होंगे, और उससे भी काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को कुछ सीखने को मिला, बाकी लोगों को भी एक्सप्लेन करने के लिए उनके लिए भी लाभदायक है। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें।